आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश देते हुए कहा है कि वे शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में सीबीआई के साथ पूरी ईमानदारी से सहयोग करें। न्यायालय ने श्री कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष शिलांग में पेश होने को कहा। न्यायालय ने कहा कि पूछताछ के दौरान कोलकाता पुलिस आयुक्त की न तो गिरफ्तारी की जाएगी और न ही उनके खिलाफ किसी तरह के बलपूर्वक कदम उठाए जाएंगे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजीव कुमार को नोटिस जारी कर 20 फरवरी से पहले जवाब देने को कहा है। न्यायालय सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि श्री कुमार घोटाले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने सीबीआई को फर्जी दस्तावेज सौंपे हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की घटना पर सीबीआई जो भी कार्यवाही कर रही है वो सही होगी, अगर कुछ गलत भी होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। वहीं सुश्री कांवरे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कार्यकाल में किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा घोटाला है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल और बाहुबल इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ग्रेट मार्च ऑफ डेमोक्रेसी, सेवन डिकेड ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक की प्रस्तावना में श्री मुखर्जी ने ये बात कही। इस पुस्तक का संपादन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस कुरैशी ने किया है। प्रदेश के 52 में से 41 जिला मुख्यालयों में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए 82 छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके लिए करीब 316 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंजूर किए गए सभी छात्रावास भवनों के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ नियत समय में पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। चयनित जिलों में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में छात्रावास संचालन की योजना बनाई है। उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में 100-100 सीटर क्षमता के बालक बालिका छात्रावास निर्मित किए जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा हर साल 20 होनहार विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें विदेश में 2 वर्ष के स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रम के लिए $40,000 प्रति साल की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें छात्रवृत्ति के रूप में वार्षिक $38,000 के साथ $2,000 किताबों, आवश्यक उपकरण सहित अन्य खर्चों को शामिल किया गया है। योजना शैक्षणिक सत्र 2019-20 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। खरगोन जिले के महेश्वर में 3 दिवसीय निमाड़ोत्सव शुरू हो गया है। निमाड़ोत्सव में आज बड़वाह के बाबूलाल परिहार दल द्वारा निमाड़ी गायन और बैगा जनजाति नृत्य सहित कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं गुजरात के डांडिया रास, उत्तर प्रदेश का होली, छत्तीसगढ़ के गौर मड़िया नृत्य की प्रस्तुति भी होगी। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के आयुष और स्वास्थ्य मंत्रियों का कल नई दिल्ली में सम्मेलन होगा। सम्मेलन में राष्ट्रीय आयुष अभियान, आयुष्मान भारत में समेकित आयुष सेवाएं, औषधीय पौध, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी शिक्षण संस्थानों जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा आज भोपाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला गीत और नाटक प्रभाग से संबद्ध समूहों को इस अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित की गई है। कार्यशाला को पीआईबी सभागार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में 1100 से ज्यादा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा ताकि समाज के सभी वर्गों को बेटियों के बेहतर लालन पालन और पढ़ाई के बारे में जागरूक किया जा सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में करीब 8 लाख रुपए की कीमत की स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 10 फरवरी को धार में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए हज पेशगी रकम की तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है और बालाघाट जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आज सेक्टर ऑफिसर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।